सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के हाथ से फिसला करोड़ का प्लांट, एनसीपी नेता अजीत पवार ने सरकार को घेरा, कहा सौदा महंगा पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराए, बंगाल के मजदूर का हत्या में दोनों शामिल थे। पंजाब में विधायकों की खरीद फरोख पर एफआईआर, आपने बीजेपी पर लगाया आरोप, केजरीवाल ने दिल्ली तलब किया एमएलए। पार्थ अर्पिता की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट में ही रोने लगी अर्पिता मुखर्जी, पार्थ बोले चैन से जीने दे, मैंने 1 रुपया नहीं खाया। बंगाल हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा वीडियो वायरल, कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा राष्ट्रवादी दंगाइयों ने लगाई पुलिस की गाड़ी में आग। लखीमपुर में नाबालिग बच्चियों की हत्या, मां बोली रेप के बाद मार डाला, एसपी बोले 6 आरोपी गिरफ्तार, लड़कियों की मर्जी से गई थी। यूपी के बयास जिले में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ कानपुर में रात से बरस रहा है पानी, कानपुर में सबसे ज्यादा 800 मिमी बारिश हुआ। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसे में 4 की मौत, 30 घायल, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर ने मारी टक्कर। बिजनौर में विवाहिता का फांसी से लटका मिला शव, मां के पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। मेरठ में व्यापारी की चलती कार में लगी आग, दिल्ली से वापस घर जाते समय दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हादसा, कार से कूदकर बचाई जान। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में 500 वीआईपी शामिल होंगे, यूएस प्रेसिडेंट शामिल होंगे, शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आएंगे। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार से टकराई बाइक, हादसे में बाल बाल बची जान। कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर भारत विरोध के नारे भी लिखे गए। तालिबान सरकार के पाकिस्तान को खरी खरी, कहा पाक में सरकारी संरक्षण में भी संचालित हो सकते हैं आतंकी संगठन। मोदी पुतिन की बैठक से पहले रूस का बड़ा बयान, यूएस के दबाव के बावजूद हमने समय पर दिए 400 मिसाइल सिस्टम। विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज, सर्बिया में भारत को पहला मेडल दिलाया। रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 2006 में टीम इंडिया के लिए किया था डेब्यू। टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, पूरन को सौंपी कप्तानी, एमिल लुइस की वापसी, अनकैप्ड कैरियर रेफर को मौका। अफरीदी की सलाह पर भड़के अमृत मिश्रा, बोले कुछ लोग सिर्फ एक बार ही संन्यास लेते हैं, विराट को बख्श दीजिए। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद का निधन, 2013 में उन पर आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग करने का आरोप लगा था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से 8 घंटे पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस को 100 सवाल किए, कई के जवाब नहीं दे पाई। उर्मिला मातोंडकर ने मां बनने की खबरों को किया खारिज, बोली ये मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की बेटी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा वर्कआउट वीडियो वायरल, मनाली में साइकिल चलाते दिखे एक्टर, वीडियो शेयर कर फैंस को दिया खास मैसेज।
पंकज त्रिपाठी ने लिया बड़ा फैसला, फिल्मों में नहीं देंगे गालियां, कहा मैं एक्टिंग के दौरान खराब भाषा का नहीं करता सपोर्ट। विक्रम वेदा का बीटीएस वीडियो वायरल, सैफ अली खान विक्रम के रोल में एक्शन करते नजर आए, 30 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। फिलहाल के लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।